हेलो एवरीवन अगर आप एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का सिलेबस ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से हम लोग प्रिपेयर करें कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करें तो आज की वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अभी सिलेबस डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं हिमाचल में पहले क्या था हमीरपुर से पेपर कंडक्ट हो रहा था उनका लेवल कुछ और था अभी शिमला से पेपर कंडक्ट होने जा रहा है तो इनका लेवल कुछ और है रिसेंटली जैसे हिंदी और फिजिक्स का पेपर हुआ है तो उसमें क्या है जो पेपर था उसमें पीजीटी का पेपर हुआ है तो उसमें टोटली मास्टर्स लेवल आई मास्टर्स लेवल था उसमें एक सिंगल टॉपिक भी प्लस वन प्लस टू का ग्रेजुएशन का नहीं था तो वो टोटली उन्होंने डाला हुआ था मास्टर्स लेवल का तो अगर हम टीजीटी की बात करते हैं ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर है तो इसमें जो पेपर है वो आपका अप टू मास्टर्स लेवल तक रहने वाला है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अराउंड फोर्टी मार्क्स आपके रहेंगे फोर्टी रहेगा प्लस वन प्लस टू का और 40 परसेंट रहेगा ग्रेजुएशन का और ट्वेंटी परसेंट रहेगा मास्टर्स लेवल इन डेप्थ हम लोग डिफिकल्टी जो लेवल है वो जाएगा अप टू मास्टर्स लेवल तो सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स के सिलेबस की बात करती हूँ तो ये सारा सबसे पहले प्लस वन प्लस टू का सिलेबस है जैसे यूनिट्स वाला चैप्टर है मोशन वाला इन स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन प्लेन तो ये सारा क्या है लॉज ऑफ मोशन ये सारा प्लस वन प्लस टू का सिलेबस है वर्क हो गया एनर्जी हो गया पावर मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गया ये सारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थर्मोडाइनिक्स हो गया बिहेवियर ऑफ गैसेस का नाइटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया या फिर ऑसिलेशन एंड वेव्स हो गया ठीक तो है तो यहाँ पे चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है इलेक्ट्रोस्टैट है ठीक है ये सारा इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट है फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है देन मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड ठीक है मैग्नेटिज्म आ जाएगी ये सारा आपका क्या है प्लस वन प्लस टू का पार्ट है ये तो नाइनटी परसेंटेज श्योर है कि ये बच्चों को आता होगा ये सारा ऑप्टिक्स आ जाएगा फिर ड्यूल नेचर आ गया फिर ऑटोमिक आ जाएगी फिर सेमी आ जाएंगे तो ये क्या है प्लस वन प्लस टू का पार्ट है बट जो मेन चीज डिस्कस करने वाली है जो मेन चीज डिस्कस करने वाली है वो है ग्रेजुएशन का सिलेबस क्योंकि प्लस वन प्लस टू की तो हर बच्चा रटे बैठा होगा बुक्स हम लोगों ने अपने चैनल पे थर्टी ईयर्स का एनालिसिस तक डाला हुआ है कि अभी तक किस टॉपिक में से कितने मैक्सिमम मार्क्स आए हैं बट सिर्फ प्रीवियस ईयर का एनालिसिस ही इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर क्लियर करने के लिए क्योंकि फोर्टी परसेंट आएगा आपका प्रीवियस ईयर से क्योंकि प्लस वन प्लस टू है तो प्लस वन प्लस टू फोर्टी परसेंट आराम से कर लोगे बट जो सिक्सटी परसेंट न्यू है वो भी करना है अगर पेपर क्लियर करना है तो ग्रेजुएशन का सिलेबस हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें सबसे पहले ये सारा प्लस वन प्लस टू में आ जाता है कि कोऑर्डिनेट्स हो गए ठीक है लॉज ऑफ मोशन है या फिर इनर्शिया की बात होती है ग्रेविटेशन है ये सारा कुछ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सब चीजें ये इस मैकेनिक्स वाले पार्ट में हम लोग कवर करते हैं फिर उसके बाद

पार्ट क्या आ जाता है ग्रेजुएशन का पार्ट फिर उसके बाद ऑसिलेशन एंड वेव एंड ऑप्टिक्स इस यूनिट में क्या है पूरी की पूरी बुक्स पढ़नी है हमने ठीक है अब एक वाइब्रेशन एंड वेव्स की बुक होती है वाइब्रेशन एंड वेव्स की बुक में क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ऑसिलेशन जहां पे एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं करता है वो आप लोग पढ़ते हो प्लस वन प्लस टू में बट अभी हमें कहां तक पढ़ना है डैम्ड ऑसिलेशन पढ़नी है फोर्स ऑसिलेटर पढ़ना है कपल्ड ऑसिलेटर पढ़ना है तो ये सारा इस चैप्टर में आ जाता है ये सारा का सारा चैप्टर इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है फोर्स ऑसिलेटर हो गया कपल्ड ऑसिलेटर हो गया ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है फिर उसके बाद वेव मोशन की बात आती है वेव मोशन क्या होता है डॉप्लर इफेक्ट्स हो गए ग्रुप वेलोसिटी हो गई फेज वेलोसिटी हो गई इंपीडेंस निकालना तो सब कुछ वेव मोशन का एक चैप्टर होता है जिसमें ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं फिर उसके बाद आ जाता है ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स में

पढ़नी है ऑप्टिक्स की बुक में पढ़नी है फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोलराइजेशन ये जो मैंने आपको बताया है ठीक है पोलराइजेशन हो गई जिसमें थ्री टाइप्स आ जाती हैं लीनियर पोलराइजेशन सर्कुलर पोलराइजेशन देन आ जाएगा एलिप्टिकल पोलराइजेशन फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फाइबर्स ठीक है हम लोग घरों में बोल देते हैं ना कि फाइबर कनेक्शन लगा है हमारे घर में तो वाईफाई का तो वो फाइबर्स यहीं से बनते हैं उस चीज की हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में फिर उसके बाद लेजर वाला पार्ट आ जाता है इसमें ठीक okay. है इसमें लेजर वाला पार्ट आ जाएगा फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लस प्लस वन टू से स्टार्ट हो जाता है प्लस टू से स्टार्ट हो जाता है जिसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक टूल्स करेंगे कि ग्रेडियंट क्या है डाइवर्जेंस क्या है कर्ल क्या है फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ ग्रेडियंट फंडामेंटल रूल ऑफ कर्ल ये सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा गॉस लॉ आ जाएगा उसकी एप्लीकेशंस आ जाएंगी अलग-अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई करेंगे फिर उसके बाद पोटेंशियल आएगा पोटेंशियल एनर्जी आएगी फिर मल्टीपोल एक्सपेंशन आ जाएंगे ठीक है करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर्स आ जाएंगे रेजिस्टर आ गए कंटिन्यूटी इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशंस ठीक है ये सब चीजें मेथड ऑफ इमेजेस होती हैं पूरी की पूरी बीएससी की बुक होती है तो ये सब चीजें हम लोगों ने इसमें कवर करनी है ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट मैग्नेटिज्म की बुक आ जाती है जैसे हम लोग कूलम्स लॉ करते हैं इधर बायोसाव लॉ आ जाता है अंपियर लॉ आ जाता है फेरेडेज लॉ ईएमएफ ये सब चीजें हमारी इस सेक्शन में कवर होती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सवेल इक्वेशन है जिनके बेस पे क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाता है तो ये सब चीजें इसमें कवर हो जाएंगी फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी ये ऑलरेडी प्लस वन प्लस टू में करते हैं ठीक है फिर उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एक लीनियर मीडियम से पास होंगी तो क्या होगा एक एक से पास करवा दें कंडक्टिंग मीडियम से एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम से पास करवा दें तो क्या होगा तो ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है प्लस ब्लैक बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये थर्मोडायनामिक्स में हम लोग करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर लिख लो पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है हर बार आता है ये टीजीटी में

फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है जिसने बताया था कि ड्यू नेचर क्या है बट इसको हम क्वांटम फिजिक्स को इसी को, नेचर को ड्यू लेके स्टडी करते हैं वे के बारे में पढ़ते हैं एवरेज वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना एक पार्टिकल वनडी बॉक्स में है एक फनाइट बॉक्स में है, तो बहुत सारी चीजें हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करनी है तो ये सब चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अटोमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स जिसमें ऑर्ली अगर मैं आपको एक बोहर मॉडल होता है और फिर एक टर्म सिंबल वाला चैप्टर है जीमन इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट है, है ठीके? आपके पास उसके, बाद, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर एंड पार्टिकल न्यूक्लियर एंड पार्टिकल में सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज आ जाती है फिर बाइंडिंग एनर्जी सेमीमेरिकल मास फॉर्मूला ड्रॉप मॉडल शेल मॉडल आ जाता है फिर न्यूक्लियर रिएक्शन आ जाती है ड्यूट्रॉन आ जाता है ठीक है फिर उसके बाद बीटा गामा डीके फिर एलिमेंट्री फिजिक्स आ जाती है तो ये सारा कुछ हम लोग न्यूक्लियर इसमें पढ़ेंगे फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या है सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं सबसे पहले बात करूं इसके एप्लीकेशन रेक्टिफायर डायोड हो गया पे बात करते हैं, तो ये भी आएगा फिर उसके बाद सोलर सेल हो गया पिन डायोड फोटो डायोड ये सब कुछ फिर ट्रांजिस्टर्स हो गए एफी हो गए मोसफेट हो गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो ये सब चीजें प्लस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक बुलियन एल हो गया लॉजिक गेट्स हो गए हो गया फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं तो ये सब चीजें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़नी है फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स को हम लोग कंडेंस मैटर फिजिक्स भी बोल देते हैं इसमें सबसे पहले यूनिट सेल के बारे में क्रिस्टल के बारे में स्टडी करेंगे जैसे एफ क्या है बीसीसी क्या है सिंपल क्यूबिक क्या है एन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है डायमंड का, जिंक सल्फाइड का सीजियम क्लोराइड का फिर उसके बाद हम लोग करते हैं, फिर हम लोग मतलब में आगे एंटर करते जाते हैं फिर आ जाती है सेमी कंडक्टर्स आ जाते हैं है, है, तो ये सब चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टडी करना है मैग्नेटिज्म ये सब चीजें हमने सॉलिड स्टेट में पढ़नी है तो मेन ये सिलेबस डिस्कस करने का हमारा मोटिव यही था कि सिर्फ हमें प्लस वन प्लस टू पे ही नहीं बैठना है अगर आपने करनी है तैयारी तो अगर आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करना चाहते हैं ग्रेजुएशन लेवल तक मास्टर्स लेवल तक आएगा आपका उसी लेवल की हमारी प्रेपरेशन स्टार्ट हो चुकी है आज ही आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं अभी रिसेंटली न्यू बैचेस स्टार्ट हुए प्लस फिफ्टी ऑफ भी चल रहा है तो जल्दी से आप हमारे ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं प्लस जैसे फिजिक्स का सिलेबस है वैसे ही केमिस्ट्री का, का होगा कि उसमें भी ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स आएंगी ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट मास्टर्स लेवल का टच होगा ऐसे ही चाहे मैथ्स है चाहे आप मेडिकल बात करो चाहे आप आर्ट्स की बात करो सारी की सारी चीजें आपकी ऐसे ही क्या होने वाली हैं अपग्रेड होने वाली है कोई भी आप गाइडेंस चाहते हो तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं बाकी कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच जाए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू